हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास सिक्स मैथ एनसीईआरटी बुक। 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। हमने अब 7 चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज के 8 से 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे 7.1 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने बोला था कि 9 क्वेश्चन तक रिवाइज करके आना है। आज हम करेंगे 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल हैव एक्स इन देम? इन जो सर्कल दे रखी है, इनमें से एक्स जिसमें है उसका फ्रैक्शन निकालना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज, इन सर्कल का कितना फ्रैक्शन में हैव एक्स इन देम, इस सर्कल के कितने फ्रैक्शन में एक्स है। तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सर्कल, टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सर्कल दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। उसके बाद सर्कल हैविंग एक्स इन दैम, कौन से सर्कल निकालने जिसके अंदर ये क्रॉस बना हुआ है। सर्कल हैव एक्स इन दैम, ऐसा सर्कल जिसमें एक्स बना हुआ है। कितने सर्कल है जिसके अंदर एक्स बना हुआ है? 1 2 3 4। कितने सर्कल के अंदर एक्स बना है? 4 सर्कल के अंदर एक्स बना है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल क्या दे रखा है? 8 दे रखे हैं। और ऐसे सर्कल जिसके अंदर एक्स बना हुआ है कितने हैं? 4 है। अब हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल, जो ये टोटल सर्कल है इसका फ्रैक्शन हैव एक्स इन देम, जिसमें अंदर एक्स है उसके साथ फ्रैक्शन निकालना है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं? हम टोटल लिखते हैं। टोटल सर्कल कितने? 8। और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? जितने में एक्स करा हुआ है तो 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4 upon 8। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया? 1/2। ये 1/2 भी सही है और 4/8 भी, दोनों आंसर ठीक है। तो हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ सर्कल लिखे, फिर हमने वो सर्कल लिखे जिसके अंदर एक्स दे रखा हो, फिर हमने टोटल सर्कल का जिस सर्कल में एक्स है उसके साथ फ्रैक्शन निकालना है। तो नीचे क्या लिखते हैं? हम टोटल नंबर ऑफ सर्कल लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं? नीचे तो हम टोटल नंबर ऑफ सर्कल लिख दिया, ऊपर हमने क्या लिखा कि कितने नंबर ऑफ सर्कल के अंदर एक्स है। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब हमारा 11th क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये 11th क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टीन रिसीव ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे। कोई लड़का है क्रिस्टीन, उसको अपने बर्थडे पर सीडी प्लेयर रिसीव हुआ है, मतलब सीडी प्लेयर मिला है। सीडी प्लेयर क्या होता है? आपके टाइम में समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब सारे पेन ड्राइव वगैरह में काम चल गए। पहले के टाइम में सीडी में सीडी आती थी, उसके अंदर जो मटेरियल होता था वो डल के आता था। तो सीडी क्या होती है, वो उसको चलाने के लिए डिवाइस भी अलग होता था। पेन ड्राइव तो किसी में भी डाल के चला लेते हैं हम, लैपटॉप कंप्यूटर LED किसी में भी। उसको सीडी प्लेयर के लिए अलग से डिवाइस आता था। सी बोट 3 CD, उसने 3 CD खरीदी। अब सीडी प्लेयर उसको मिला है तो उसने 3 CD तो खरीद ली जो, और रिसीव 5 other एज गिफ्टेड, और 5 CD उसे गिफ्ट में मिल गए। अब सीडी प्लेयर दिया है तो किसी ने उसको सीडी भी गिफ्ट दे दी, तो 5 CD दे दी और 3 CD उसने अपने मार्केट से खरीद ली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर, कितना फ्रैक्शन उसका टोटल सीडी डिड सी बाय,
टोटल सीडी का कितना फ्रैक्शन उसने खरीदा है एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट, और कितना फ्रैक्शन उसने गिफ्ट के तौर पर रिसीव किया है। तो कैसे करेंगे हम, एक लड़के का बर्थडे था, उसको सीडी प्लेयर मिला है। सीडी प्लेयर, सीडी को चलाने के लिए अलग से डिवाइस आता है, सीडी प्लेयर। अब सीडी प्लेयर मिला है तो उसमें डालने के लिए, चलाने में सीडी भी चाहिए। तो 5 सीडी तो उसे बर्थडे पे गिफ्ट मिली है और 3 सीडी उसने खरीदी है मार्केट से। हमें फ्रैक्शन निकालना है टोटल सीडी, उसके पास जितनी भी टोटल सीडी है उसका फ्रैक्शन निकालना है, सी बाय जितनी उसने खरीदी उसका, और व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव, और जितनी उसको रिसीव हुई है उतना, सी बोट सी डी। उसने कितनी सी डी खरीदी है, 3 सी डी खरीदी है। रिसीव एज गिफ्टेड, गिफ्ट के तौर पे कितनी सी डी मिली है, 5 सी डी उसने गिफ्ट के तौर पे मिल गई है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सी डी, अब टोटल सी डी कितनी हो गई उसके पास, टोटल सी डी 3 तो उसने मार्केट से खरीदी है और 5 उसके पास गिफ्ट में आ गई, तो टोटल कितनी आ गई, 3 + 5। अब उसके पास कितनी सी डी है, 8 सी डी हो गई। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या दे रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर, उसका फ्रैक्शन निकालना है, किसका फ्रैक्शन निकालना है, टोटल सी डी डिड सी बाई, उसने जितनी सी डी खरीदी उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो नीचे तो हमेशा टोटल सी डी आएगा, तो फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सी डी, सी बाय जो उसने खरीदी है उसका फ्रैक्शन निकालना है। उसने कितनी सी डी खरीदी है, 3 सी डी खरीदी है, और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे हम, टोटल सी डी लिखेंगे। तो जो खरीदी है उसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/8 आ गया। अब आगे क्या निकालना है, फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्टेड, तो फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज गिफ्टेड। अब किसका फ्रैक्शन निकालना है, जो गिफ्ट, जो सीडी हमें गिफ्ट के तौर पे रिसीव हुई है, कितनी रिसीव हुई है हमें गिफ्ट के तौर पर, 5 सीडी रिसीव हुई है, और डिनोमिनेटर में हमेशा क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीडीज लिखते हैं। डिनोमिनेटर में हमें टोटल चीज़ आती है, ऊपर जो हमें दूसरा दे रखा है ना गिफ्टेड में जितनी सीडी मिली है वो न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं, क्रिस्टीन कोई है, उसके बर्थडे पे उसे सीडी प्लेयर मिला है, कितनी सीडी बोट करी है उसने, 3 सीडी बोट कर ली है। अब 5 सीडी रिसीव गिफ्ट के तौर पर रिसीव हुई है, व्हाट, तो टोटल सीडी कितनी हो गई, 3 + 5 कितनी सीडी हो गई, 8 सीडी हो गई। उसके बाद है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल सीडीज, उस फ्रैक्शन निकालना है, डिड सी बाई, उसने जितनी सीडी खरीदी है वो फ्रैक्शन निकालना है। तो कितनी सीडी खरीदी है, 3 सीडी खरीदी है, और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ सीडी आ जाएगी, तो फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/8 आ गया। फिर हम क्या निकले, फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज गिफ्टेड सीडी, हमें उसका फ्रैक्शन निकालना है जो उसे बर्थडे पर रिसीव हुई थी। तो कितनी रिसीव हुई थी, 5, और टोटल नंबर ऑफ सीडी क्या दे रखा है, 8, तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ये हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हमने इसके 1/1 सारे क्वेश्चन किए हैं। अब तक के जितना भी करवा दिया है वो सारा रिवाइज करना है और नोट करके करना है, क्योंकि नोट करने से क्वेश्चन ज़्यादा आसान, ज़्यादा समझ आता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तब तक पता है क्या करना है, 7.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट रिवीजन करना है, नोटबुक में
करके देखना है, और आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।